नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। बीती रात चुराटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एसडीएम अनुराग तिवारी के नेतृत्व में ट्रक क्रमांक MP17HH1218 में 93 बोरी चावल, जिसकी अनुमानित कीमत 13 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसमें FCI का टैग भी लगा हुआ है। शासकीय चावल का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा ड्राइवर राम सजीवन साकेत एवं ट्रक मालिक लालजी गुप्ता के विरुद्ध ईसी एक्ट 3/7 IPC धारा 120B 409 के तहत थाना चुराटा में FIR दर्ज कराई गई। बताया गया है कि ट्रक को ट्रांसपोर्ट नगर से लोड करके चावल की कहीं और डिलीवरी करानी थी। आपको बता दें कि रीवा कलेक्टर के निर्देशानुसार राशन की कालाबाजारी की रोकथाम को लेकर लगातार कार्रवाइयों का दौर जारी है। इसी कड़ी में बीती रात जिला प्रशासन व पुलिस की टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई, जिसमें SDM अनुराग तिवारी, नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला, चुराटा थाना प्रभारी विद्यावारिध तिवारी, खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक सुभाष द्विवेदी, नगर निगम से सुशांत तिवारी सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे। फिलहाल पुलिस ट्रक चालक एवं मालिक से पूछताछ कर रही है कि चावल कहां से लोड किया गया था और कहां डिलीवर करने जा रहा था। खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।